नमस्कार। जब आपके जीवन में अचानक संकट आए, जब आपकी लाइफ में सडन मुश्किल आ जाए, तब क्या करना चाहिए? बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनका उनकी लाइफ आराम से चल रही होती, इजी वे में चल रही होती, अचानक कुछ मिस हैपनिंग होती उनके लाइफ में, कुछ न कुछ ऐसा डिफरेंट घटित होता है, वो अपने आप में हिल जाते हैं, वो टूट जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि मुश्किल समय में कैसे काम में लेना, मुश्किल समय में अपने आप को कैसे स्थिर रखना है, अपने आप को कैसे धैर्य में रखना है, यह उनको पता नहीं होता है। तो आखिर मुश्किल समय से कैसे लड़ा जाए, मुश्किल समय से बाहर कैसे निकला जाए? अभी मैं आपको एक महान लेखक की एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, और यह कहानी आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल देगी। उनके जीवन में अचानक सडन संकट आया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और सडन संकट में उन्होंने कैसे धैर्य से काम लिया, यह देखिए। अंग्रेजी के महान लेखक नाथानियल होथोर्न, इन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा द स्कारलेट लेटर, और इन्होंने यह कैसे लिखा इसके पीछे की घटना आपको पता है? और अगर आप सुनोगे ना तो आप सरप्राइज करो। नाथानियल होथोर्न एक कस्टम विभाग की के अंदर नौकरी कर रहे होते हैं, छोटी मोटी। अचानक उनको उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनकी अच्छी भली जिंदगी चल रही होती, घर परिवार सब कुछ होता है, बच्चे वगैरह सब कुछ होते हैं, उस नौकरी से उनका अच्छा पालन पोषण हो रहा होता है, लेकिन सडन उनको इस नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो बहुत हताश उदास हो रहे होते हैं, और वो घर पे जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो उनकी पत्नी भी थोड़ी सरप्राइज होती है, थोड़ी दुखी होती है, लेकिन उनकी पत्नी उनको एक बात कहती है कि मुश्किल समय में धैर्य से काम लेना, आप अपना धैर्य मत खोना, अपना विवेक मत खोना, यह आपका मुश्किल समय है, इसमें धैर्य से काम लेना। हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हो। उनकी पत्नी कहती है कि आप बहुत प्रतिभाशाली हो, आप बहुत मेहनती हो और आप बहुत धैर्यवान हो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ और नया लिखा हो। तो नाथानियल कहते हैं कि मेरी लाइफ में और कुछ क्या अच्छा लिखा होगा, अच्छी तो ये नौकरी थी, वो भी छूट गई। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप लिखते बहुत अच्छा हो, इस नौकरी के वजह से आपको समय नहीं मिल पा रहा था, अब आपके पास समय ही समय है, आप लिखिए, आपका लेखन बहुत अच्छा है। तो नाथानियल होथोर्न कहते हैं कि मैं लिख तो लूंगा, लेकिन अपना घर खर्च कैसे चलेगा? तो उनकी पत्नी कहती है कि इसकी आप चिंता मत करो, आप अपने लिखने पर ध्यान दो, घर खर्च मैं चलाऊंगा। देखिए कैसे उनकी पत्नी और उन्होंने उस मुश्किल समय में धैर्य से काम लिया, और नाथानियल होथोर्न एक उपन्यास लिखते हैं द स्कारलेट लेटर, और वो उपन्यास बहुत बड़ा चर्चित उपन्यास होता है, और उसकी कॉपियां मार्केट में इतनी बिकती है ना कि खुद होथोर्न को भी सरप्राइज होता है, और धीरे धीरे वो इंग्लिश के एक महान लेखक बनते हैं। तो होथोर्न अगर मुश्किल समय में जब उनकी नौकरी छूटती है, उस समय अगर वो देरी से काम नहीं लेते, अपने आप का विवेक खो देते, तो क्या वो महान लेखक बन पाते? क्या वो चर्चित उपन्यास द स्कारलेट लेटर लिख पाते? नहीं कर पाते। तो आप भी ध्यान रखना, जब जीवन में संकट आए, जब जीवन में मुश्किल आए, तो देरी से काम लेना, अपना विवेक मत खोना, मुश्किल समय में अपनी मेहनत और धैर्य से काम करते रहना। भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रख रखा होता है। जो इंसान मुश्किल समय में अपना आपा नहीं खोता है, मुश्किल समय में अपना धैर्य नहीं खोता है, वह इंसान कुछ और बड़ा कर जाता है।